हेलो स्टूडेंट्स, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको रिकॉल कराने वाला हूँ यहाँ पर कि क्लास नाइन्थ में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। ये बस यहाँ पर क्लास टेंथ में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक पेयर जो है वो वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है ना। पेयर, पेयर से मतलब हम लोग समझते हैं टू से होता है। ओके, पेयर से मतलब टू से। अभी क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह से आप लोगों ने स्टडी किया था या किस तरह से पढ़ा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, लीनियर का मतलब होता है अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री वन होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम, और वेरिएबल से मतलब हम लोग जो जनरली वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, वो एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स हम लोग जानते हैं। जो टू वेरिएबल्स की बात आती है तो इन जनरल हम लोग एक्स वाई वेरिएबल्स को जानते हैं, ठीक है ना। बाकी वेरिएबल्स की हमें डेफिनेशन भी पता है तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, कि वेरिएबल्स को हम डिफाइन नहीं करने वाले। आई थिंक और आई होप कि ये आपको चीजें जो है वो पहले से पता होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा 2x + 3 = 0। ओके, यहाँ पर 2x + 3 = 0 ऑब्वियसली हमारी ये इक्वेशन है लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स दिया गया है इसकी जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट जो पावर है वो 1 है, तो सो वी कैन से दैट लीनियर। और यहाँ पर वेरिएबल हमें एक दिखाई दे रहा है, ये एक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, थोड़ा सा आप कहेंगे सर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करने वाले थे और यहाँ पर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, 2x + 3 = 0, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन, सोल्यूशन से मतलब होता है जो भी इसमें वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बड़ी आसानी से हम एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x = -3 यानी x = -3/2 यहाँ पर, ठीक है ना। यानी x = -3/2 जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, इट्स सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसका सोल्यूशन है। और अगर हम ये x = -3/2 इसमें रखते हैं, ठीक है ना, सपोज दैट x = -3/2 इस आपकी ओरिजिनल जो इक्वेशन है इसमें पुट करिए, देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है ना। यानी इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री और होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो इक्वल टू जीरो, और दैट मीन्स ये हमारा क्या होता है, ट्रू है, ठीक है। यानी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद वहां पर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये इक्वल हो जाता है या स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है, यानी दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा जो फाइनली स्टेटमेंट मिलने वाला है आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जीरो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। फॉल्स कब होगा, जब लेफ्ट में आपका जीरो आ रहा है, टू आ रहा है और राइट में जीरो आ रहा है, तो टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, टू जीरो के इक्वल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हम बोलते हैं जो फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है ना। अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हम बोलते हैं दैट वैल्यू, यानी कि वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो। और अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आता है तो हम बोलते हैं दैट वैल्यू इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ जो भी हमने वैल्यू पुट किया। सपोज दैट यहाँ पर तो हम x = -3/2 रख रहे हैं, ठीक है ना। -3/2 रखने पर सपोज दैट इसमें पुट करने के बाद ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे 2x + 3 = 0, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और हमें चेक करना है कि x = 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो जब आप x के जगह पर 1 रखेंगे यहाँ पर और कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 = आपका क्या बन जाएगा, 0, और ये क्या है आपका, फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो वी कैन से दैट x = 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। फाइनली एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर 1 इसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आप ध्यान रख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 क्या, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना, हैविंग एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और नंबर 2 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको,
कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, ठीक है ना, वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन से मतलब जो हमारी सबसे पहले जो इक्वेशन, जैसे यहाँ पर 2x + 3 = y = 2, यानी इनिशियली जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है उसको वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टू पॉइंट्स हो गए। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, स्पेस बना ले रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और, तो क्या करेंगे आप लोग, इस वीडियो को पॉज करिए और मैं कहूँगा आपसे ये नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहते हैं, ये सारा क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे अभी, तो वो भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लास 9th का ही मिलने वाला है वहां से भी, वो भी। और हम क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, तो चीजें आसानी से आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आपको नहीं पता होगा इन सारी चीजों के बारे में, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ध्यान रखिएगा, अभी हम पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमने इक्वेशन सपोज दैट कंसिडर करिए 2x + y = (suppose 5), ठीक ना। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। देखिए x और y टू वेरिएबल्स हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसमें हम। और इसमें जो x और y वेरिएबल है इनकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 और 1 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें भी हम दो बात करेंगे कि किस तरह से, देखिए लास्ट में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, नंबर थर्ड पॉइंट आप उसको लिख सकते हैं वहां पर, जहां पर मैंने भी लीनियर कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ, वन वेरिएबल का ग्राफ होगा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन जो आपने वन वेरिएबल बनाया था, ठीक है ना, तो ग्राफ जो होगा एज अ स्ट्रेट लाइन, एज अ स्ट्रेट लाइन, इसको भी नंबर थर्ड पॉइंट डाल के आप वहां पर लिख सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, आइदर वन वेरिएबल और आइदर टू वेरिएबल, इनका ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखिएगा, वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल्स में भी। ओके, तो यहीं से मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो नंबर वन पॉइंट, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ नंबर टू, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन, ठीक है ना, कि कितने सोल्यूशन होते हैं, तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो सोल्यूशन थे वो एक्जेक्टली वन सोल्यूशन थे, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, चलिए वन बाई वन डिस्कस करता हूँ आपसे। सपोज दैट हमने 2x + y = 5 रखा है यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करने कहूँ कि इसको सॉल्व करिए, तो एल्जेब्रिकली हम इसको, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके दिखा दिया था, ये 2x = -3 और x = -3/2, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर हम y की वैल्यू सपोज दे निकालते हैं तो ये 5 - 2x हो गया, अगर हम x की वैल्यू भी निकालेंगे तो 5 - y / 2 हो गया। तो देखिए x की वैल्यू y के टर्म्स में, या y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू ये x के टर्म्स में मिल रही है हमें, और ये x की वैल्यू हमें y के टर्म्स में मिल रही है, तो इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम सोल्यूशन इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहली चीज। अब बात आती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल काफी दिनों बाद आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 8th वगैरह में पढ़ा हुआ आई थिंक। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, सपोज दैट हमने क्या किया, y = 3 पुट किया यहाँ पर, ठीक है ना, y = 3, तो y = 3 हो जाएगा, तो ये तो 2x = 5 - 3, यानी कि दैट मीन्स x 2x = यहाँ पर 2 आ गया और x = 1 आ गया, ठीक है ना। तो x = 1 एंड y = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये एक आत हो गया आपने, बट बोला कि इनफाइनेटली मैंने, यस इसी तरह से जैसे मैंने y = 3 रखा हुआ है, और सोल्यूशन है या नहीं अगर आप चेक करना चाहते हैं कि x = 1, यानी कि इक्वेशन हमारी x = 1 और y = 3 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, इसको अगर आपको चेक करना है, तो हमारी इक्वेशन ये थी ओरिजिनल, इसमें आप जरा पुट करिए वैल्यूज को, ठीक है ना। तो देखेंगे आप 2 + 3 = 5, दैट मीन्स 5 = 5, तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
यहाँ पर जो x इक्वल टू वन और y इक्वल टू थ्री, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा अगर चेक करना है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर इनफाइनाइटली मैं नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से मैंने y इक्वल टू थ्री रखा था, आप क्या करिए y इक्वल टू टू रख दीजिए, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 2 और x इक्वल टू 3 आएगा और ये अपॉन में 2 पहुंच जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 बाई 2 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से आप y की या फिर चाहे तो x, ये तो मैं y की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू कंसीडर करते रहेंगे, x की वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू कंसीडर यहाँ पर करेंगे, सपोज दैट देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 5 आपकी इक्वेशन है, आप x इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो ये 2 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो 2x यानी x के प्लेस पर 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस y इक्वल टू 5, दैट मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, वॉट एवर, यानी कि आप x की वैल्यू लेट करिए फिर y की वैल्यू निकालिए, या फिर y की वैल्यू लेट करके x की वैल्यू निकालिए, इस तरह से हम x और y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अच्छा ठीक है, अगर ग्राफ की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटी आसान सी इक्वेशन ले ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, ठीक है ना, ये तो मैंने आपकी कैलकुलेशन यानी एलजेब्रिक के लिए कैलकुलेशन से सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अगर हम x प्लस वाई, भी मैंने ग्राफ की भी बात की थी, तो x प्लस वाई इक्वल टू जो 5 है इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो आप लोगों क्लास 9 से थोड़ा सा ध्यान होगा, जब क्या करते थे यहाँ पर x और y के लिए एक टेबल जनरेट करते थे, और यहाँ पर थ्री वैल्यूज, थ्री या टू वाट एवर जो भी आपसे वैल्यूज लेते थे। जैसे अगर हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y 5 हो जाएगा, x इक्वल टू अगर सपोज दैट 2 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू एक और वैल्यू और आप ले सकते हैं, ठीक है ना, y 0 ले लिया तो x हमारा क्या हो जाएगा, x 0 ले लिया तो y कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ये तो ले चुके हैं, सॉरी इसको 0 ले लिया तो ये हमारा 5 हो गया, ये क्लास 9 से आपको पता होगा, इस तरह से हम जो है वैल्यू जनरेट करते थे। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, जरा एक बार समझ लीजिएगा, ग्राफ हम बनाते हैं, तो 0 और 5 सपोज दैट x 0 और y 5 मैंने यहां पर मान लिया, आप लोग प्रॉपर ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। अगर 2 3 लेना है मुझे, x 0 और 2 3, या पहले 5 और 0 ले लेता हूं, ठीक है ना, 5 और 0 हमारा x एक्सिस पर आ जाएगा, और इसी तरह से इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन बन जाएगा, 2 कॉमा 3 भी हमारा कहीं इसी पे लाई करेगा, ठीक है ना, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यहां पर थोड़ा सा आप लोग कह रहे होंगे जल्दी बता दिया सर आपने, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्राफ आ गया, अब इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप कहेंगे सर किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, तो जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है, ठीक है ना, पॉइंट से मतलब हम 2,3 बोल रहे हैं अगर पॉइंट यहाँ पर, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है ना। अगर हम 5,0 बोल रहे हैं, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, ये सारे ही पॉइंट जो है वो इसके सोल्यूशन है, अगर हम इसमें पुट करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है ना, तो ये क्या देंगे, इसका सोल्यूशन देंगे, आप चेक कर सकते हैं। x2 और y3 रखिए, देखिए जरा 5 इक्वल टू 5 बन जाएगा आपका, x0 और y5 रखेंगे जरा तो भी 5 इक्वल टू 5 बनेगा, देखिए जरा यहाँ पर नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट, इसी तरह से अगर हम x5 और y0 अगर रखेंगे इक्वल टू 5 तो ये भी 5 इक्वल टू 5 बन जाएगा। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्या है, इसके सोल्यूशन है। इट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट्स, इसको मैं नोट करके भी लिख सकता हूँ, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, पॉइंट्स ऑन लाइन आर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, यानी कि कोई भी अगर क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पर लाई करते हैं वो सारे के सारे लीनियर इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो एच इसी तरह से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज इनफाइनाइट
सॉल्यूशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों? रीजन, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन, एक ही मीनिंग है, स्ट्रेट लाइन या लाइन, सॉरी कोई फर्क नहीं है। तो जो मैंने आप लोगों से ऊपर एक पॉइंट डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या नंबर वन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्लियर हो गया आपका, और जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दिया है। ओके, आई होप कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। पता, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, हाई सपोज दैट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप बताइएगा। सॉरी, वन वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, और टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं इसमें, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में बोर्ड में पूछे भी जाने लगे हैं, आपके ये क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। पेयर का मतलब दो, अच्छा एक मैं थोड़ा सा और बताना भूल गया, एक एग्जाम्पल ले लिया आपको, कोई नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म की बात करते हैं या वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तो हालांकि क्लास नाइन्थ में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या अगर वन वेरिएबल है आपका, वन वेरिएबल अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, वन वेरिएबल, ठीक है ना, जनरल फॉर्म, तो आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा, ये वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है आपकी। अगर टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपका टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए एंड बी, नोट करके भी आप ध्यान रखिएगा, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ ये दोनों जीरो नहीं हो सकते आप, ठीक है ना। अगर एक साथ दोनों जीरो हो जाते हैं तो फिर तो सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। और एक एक वन बाई वन जीरो हो सकता है, ए जीरो हो जाए, ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ए जीरो ले लिया, बाई की हमें कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, एक्स ए जीरो हो गया तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर यहां से आप बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका ए जीरो होने का मतलब मैं आपको फिर बता दूं, उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक्स जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, और अगर v जीरो हो जाता है तो उसमें y इक्वल टू जीरो हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन, जब हम इसका निकालते हैं तो उससे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। चलिए, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ये सब आप लोगों ने क्लास नाइन्थ से पढ़ा हुआ होगा। और जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कई बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है ना, इतना सारा नहीं लिखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये जीरो तभी होगा हम आपको बता दें जब दोनों जीरो होंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू होगी तभी ये जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो इस सारे स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा सा हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो फिर इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप बस इतना याद रख सकते हैं, ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इसको आपको बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। यानी फाइनली एक बार फिर से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये तो बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, जो कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं यहाँ पर। नंबर वन, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो। ओके, सबसे पहले हम इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, देखिए पेयर से मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल्स तो पढ़ ही चुके हैं। देखिए क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। ध्यान रखिएगा जब पेयर है तो इस तरह की दो इक्वेशन हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन हम ए वन बी वन और सी वन कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी होगी वो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, पहली चीज। सेकंड थिंग, इसको हमें ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रियल नंबर्स तो हमारे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर ए वन और बी वन एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पर ए वन बी वन और ए टू बी टू एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसके, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हैं एग्जाम्पल्स, नंबर वन, सपोज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, और दूसरी इक्वेशन लिख दी 2x plus y equal to 9, ठीक है ना। नंबर टू, इसी तरह से 2 upon 3x plus y equal to 6, 5x plus 2y equal to 10, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे से इस तरह से एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा, और ये भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। आई होप कि एग्जांपल्स इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जांपल्स बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर आपका आता है, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब होता है ग्राफ से, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पर अगर टू लाइन्स है या टू इक्वेशन है, ठीक है ना, तो टू इक्वेशन से मतलब क्या हो जाएगा, टू लाइंस या टू स्ट्रेट लाइंस। जब मैं लाइंस बोल रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा, मैं स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। टू लाइंस यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, तो आप खुद सोचिए जरा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे सपोज दैट कहता हूँ कि अगर दो लाइंस को अगर आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप जो है वो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। ग्राफ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कितने तरीके से, यानी हाउ मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस ऑन द प्लेन, ठीक है ना। प्लेन पर अगर मुझे दो लाइंस अगर ड्रॉ करनी है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, या क्या हमारा तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है ना। नंबर वन क्या कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइन है तो वो हो सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरह से ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है ना। कार्टिजन प्लेन, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो समझ जाइए कार्टिजन प्लेन की बात हो रही है, ठीक है ना। इस कार्टिजन प्लेन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मैं कार्टिजन प्लेन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो कार्टिजन प्लेन हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है ना, और दूसरी लाइन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी लाइन इस तरह से आपकी हो गई, ठीक है ना। एक ये लाइन हो गई किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है, सपोज दैट ये हमारी लाइन एल वन है और ये हमारी लाइन एल टू है, नंबर वन। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि टू लाइन्स
do not intersect. यानी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों लाइंस हमारी जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, एक लाइन सपोज दैट हमने ये बनाई, एक लाइन पैरेलल और दूसरी एक लाइन और हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना, वो इस तरह से बना सकते हैं ऐसे, इस तरह से एक और हमने पैरेलल लाइन बना दी, ये लाइन हमारी L1 हो गई और ये लाइन हमारी L2 हो गई। ओके, ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होगा इस तरह से हम x x डैश और y डैश कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल लाइंस होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड कंडीशन में आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन और पॉसिबल होती है, नंबर थर्ड, वो थर्ड कंडीशन क्या होती है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस हम किस तरह से बोलते हैं इसको, चलिए ग्राफ पर बता देता हूँ। सपोज दैट एक लाइन हमारी ये है, ठीक है ना, ये लाइन, और दूसरी लाइन का ग्राफ भी जो है इसी के जस्ट ऊपर बन रहा है, ठीक है ना, इसी के जस्ट ऊपर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसी के ऊपर, यानी दूसरी लाइन भी बना रहा है वो इसी के ऊपर आ रही है इस तरह से, ठीक है ना, यानी एक लाइन हमारी ये होगी, इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमारी लाइन L1 है सपोज दैट, और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, इस तरह से भी पॉसिबल है। तो यानी कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दैट मीन्स अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हमारी है तो उनको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे, नंबर वन इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से, नंबर टू पैरेलल लाइंस इस तरह से, और नंबर थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन ये हमारी है और दूसरी लाइन भी हमारी, ठीक है ना, दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, ये थ्री पॉसिबिलिटी है, थ्री पॉसिबिलिटी के अलावा हमारी और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर इसको हम कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा अभी हिंट भी दे दिया, तो ग्राफ बनाना आपको आता भी होगा, ठीक है ना, तो वो बना कर देख सकते हैं, बनाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और इसमें होता है कि सर हम ऑब्जर्व करके सिर्फ नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, यानी हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया और सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया और हमने उसको बता दिया कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं, या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और कैसे बता सकते हैं कि सपोज दैट अभी आपने इनका जो पेयर है वो इस तरह से लिया था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, दूसरा आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, अगर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस है इस तरह से इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पर इसके कंपेयर से, ध्यान रखिएगा इसके कंपेयर से आप आसानी से बता सकते हैं। इसका कंपेयर कैसे करते हैं, अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है ना, ये ए वन अपॉन ए टू बी वन इज नॉट, यानी ए वन अपॉन ए टू यानी इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल ना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जो लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका कंपेयर करते हैं आप, ठीक है, चलिए ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्या किया आपने कि यहाँ पर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा, प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो नंबर वन, अगर आपका ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू वी वन अपॉन बी टू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे आपकी, इंटरसेक्टिंग, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। नंबर टू, इसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर ले रहे हैं यहाँ पर कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन, यानी ये दोनों तो इक्वल हो जाए, ठीक है ना, बट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर ऐसा है, ठीक है ना, सी वन अपॉन सी टू की भी कंपेयर करेंगे तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और नंबर थर्ड, इसी तरह से अगर हम नंबर थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, नंबर थर्ड अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ठीक है ना, अगर ये है तो इसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी ग्राफ हम जो बनाएंगे वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के जस्ट ऊपर। तो फाइनली हम ग्राफ ड्रॉ ना करें,
ठीक है ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अगर हमें बताना हो तो जो आपके एक्स वाई के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं ठीक है ना, इनकी कंपेयर करके इस तरह से ये हम बता सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफ किस तरह का बनने वाला है। अब बात आती है इसके सोल्यूशन की, ये सोल्यूशन अगर हमें इसका निकालना हो तो हम वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे या सोल्यूशन इसका क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, सपोज दैट कि हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखी, या चलिए ऐसे ही मैं बता देता हूं, ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। सबसे पहले अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को ठीक है एक साथ, यानी इसको और इसको एक साथ जो है वो सेटिस्फाई करें। यानी यहाँ पर x और y की जो भी वैल्यू होगी, सपोज दैट मैंने कंसीडर कर लिया वो वैल्यू p ले ली और y की वैल्यू q ले ली, तो जब हम p और q इसमें रखेंगे, इसमें इस इक्वेशन में p और q रखेंगे, p q का मतलब x के प्लेस पर p और y के प्लेस पर q अगर हम पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, और x इक्वल टू पी और y इक्वल टू क्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं अगर मुझे फाइनली नोट करके इसको लिखना हो, ठीक है ना, नोट करके अगर मुझे यहाँ पर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम इसको, जरा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है चीजें याद नहीं रहती हैं, अभी तो समझ में आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल का मतलब यहां पर वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है ना, सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो एक बार मैं फिर से जल्दी से आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। एक तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। साथ साथ ध्यान रखिएगा वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली बात है, जब मैं यहाँ पर वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। लीनियर चैप्टर का नाम है लीनियर, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और पेयर ऑफ, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम लोगों ने सारा, और इसके सोल्यूशन की बात इन टू वेरिएबल और इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस वीडियो में ही हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था और जिसमें मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन दिया था। अब सेकंडली आपका आता है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह से हमें इक्वेशन को, ये तो मैंने आपको सिर्फ सोल्यूशन बताया कि सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें आपसे सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्जेक्टली वन सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, वन सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारा, ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि अगर वो आपका, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन्स है। फिर से बता दे रहा हूं आपको, इंटरसेक्टिंग अगर लाइन्स है तो इसका सिर्फ वन सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा वन सोल्यूशन। इसको मैं आगे लेक्चर, वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं सोल्यूशन की बात हुई। पैरेलल लाइन्स है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है ना ये। और नंबर थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन्स है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये थ्री केसेस बनते हैं आपके इनफाइनाइटली, तो वो डिपेंड करेगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्राफ है वो क्या है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। आपसे कहें कि बताइए आप जरा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा, आपको तीनों केस बताने पड़ेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स है नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन्स है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक्जैक्टली आप वन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे पेयर ऑफ, पेयर अगर हटा दिया जाए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। अगर टू वेरिएबल्स है, वन वेरिएबल है तो एक्जेक्टली वन सोल्यूशन है, तो उसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन बट अगर आपका पेयर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें आपके थ्री केस इस तरह से जनरेट होते हैं। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो इसके सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं या फिर उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि
ये वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।